सिंगापुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सिंगापुर में अपनी मुलाजमा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले भारतीय शहरी को 18 साल कैद और 12 करोड़ की सजा सुना दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 44 साल मुजरिम की शिनाख्त मार्क तानरासन के नाम से हुई है, जिसने अपनी मुलाजमा के फ्लैट में घुसकर उसे नशा आवर दवा देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। अदालत में साबित हुआ है कि मुजरिम ने 4 मुख्तलिफ मौका पर खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से मुजरिम को 20 साल कैद की सजा सुनाने की इस्तदा की गई थी, तहम अदालत की तरफ से इसे 18 साल के लिए जेल भेजने का फैसला सुनाया।